प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम में ये बताया हुआ है, मान लो ये कंटेनर है, ए पॉइंट है और ये एच डिस्टेंस है, और मैं आपसे ये पूछूं ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, बात खत्म। ये रेस्ट पे है वेसल। अब अगर वेसल एक्सेलरेट करे, अब सूडो फोर्स आ गई फिर से, अगर एक्सेलरेट करे पूरा पानी पीछे को जाएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, तो डायग्राम ऐसे की बजाय टेढ़ा हो जाएगा, पानी टेढ़ा हो गया। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर यह एक्सेलरेट कर रहा है और पानी टेढ़ा हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा। आपको बताना है थीटा क्या है, कितना टेढ़ा हो गया, एंगल बताओ। तो कोई भी एक पार्टिकल पी ले लो, कोई भी पार्टिकल ले लो, इस पार्टिकल पे कुल मिला के दो एक्सेलरेशन काम कर रही हैं, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और एक वेसल आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स की एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करेगी, पीछे, कितनी, जी ए। तो दो एक्सेलेरेशन हैं, इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जी इफेक्टिव आ गया। तो पहला क्वेश्चन आएगा इस किसी भी पार्टिकल पे इफेक्टिव जी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक आंसर। फिर इंक्लाइन प्लेन की तरह लग रहा होगा आपको, ये इंक्लाइन प्लेन में अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या पाया जाता है, थीटा। तो टेन थीटा यहां पर क्या होगा, अगर ये ए तो ये भी ए, तो टेन थीटा क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय a by g, आपको क्वेश्चन में a और g गिवन होगा, तो वहां से थीटा टैन इनवर्स a by g से आंसर आ जाएगा।